वेलकम टू माई चैनल नेबीरॉक्स टीम्स। तो मैं आप लोगों के लिए आ गया भाई मैच कवर करने, जो कि खेला जाएगा तुर्किश लीग का ANK वर्सेस TRB के बीच 1 घंटे 51 मिनट बाद। वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैच काफ़ी ज़्यादा इजी लगा मुझे और मैं काफ़ी इंटरेस्ट से होता हूँ, क्योंकि मेरा फुटबॉल फेवरेट स्पोर्ट्स है, तो मेरे को कवर करने में मज़ा भी आता है। जिसमें इंटरेस्ट है वही चीज़ करनी चाहिए, तो फुटबॉल में इंटरेस्ट है मेरे को। तो बात करूँ इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद कहाँ मिलेगी, इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद मिलेगी मेरे इस चैनल पर, जिसका नाम है ABROCKS ड्रीम 11 टीम्स। तो ग्रुप का नाम ध्यान से देख लो कि बाद में आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं नीचे की ओर, ये है कुछ प्रीवियस मैचेस के स्क्रीनशॉट, जो कि भाइयों प्रीवियस मैच काफ़ी ज़बरदस्त जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने भारी मार्जिन से भाइयों टीम कितनी बढ़िया चल रही है। एंड आगे बढ़ते हैं तो ग्रुप का नेम आराम से देख लो। बात करूँ अगर मैं इस मैच की, तो इन दोनों टीम्स में जो एक स्ट्रॉन्ग टीम है वो मुझे जो लग रही है वो है TRB। बाकी आगे चल के पता चलेगा कि कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। अभी बात करूँ मैं गोलकीपर की, तो यहाँ से जो मैं अपना गोलकीपर चुनने वाला वो है रिकार्डो फ्रेडरिच। मैं इसको इसलिए चुन रहा हूँ क्योंकि सारी जनता एक विकेट कीपर के साथ जा रही है, जिसका नाम है यू कैकिर। का फ़ायदा होगा, लेकिन अगर ANK के प्लेयर गोल करने में माहिर होंगे वो मैं आपको वो ना लास्ट में पता चलेगा जब लाइनअप्स आएंगी, क्योंकि अभी मुझे खुद नहीं पता कि कौन से स्टेट फॉरवर्ड ये खिलाने वाले हैं। एक दो तो खेलेंगे, अब वो कौन से दो होंगे वो पता करके मैं आपको बताऊंगा। ये जो टीम है ना ANK, तो इसका गोल कीपर मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो जो दूसरी टीम है ऑपोजिट टीम, तो वो गोल करने में माहिर है, तो वो गोल करेगी और अगर ये रोकता है देन उनको भी शॉट ऑन टारगेट के पॉइंट मिलेंगे एंड इसको भी मिलेंगे गोल सेव के पॉइंट। तो बात करूँ डिफेंडर की, तो V Hugo पिछला मैच ये खेला था। एक्चुअली क्या हुआ, ये मतलब इसने 4 गोल्स इस टीम ने खा लिए थे, 4 गोल कंसीडेड और बेचारे को मिल गया एंड में येलो कार्ड। तो उस कारण 30 पासिस कंप्लीट किए, मतलब बिल्कुल नहीं दिल से खेल पाया, अपने पास क्या करता तो बेचारा माइनस में चला गया। लेकिन अगर मैं वहीं से बात करूँ दूसरे प्लेयर की, जो कि इसी की टीम का, जिसका नाम शकैवियर, पिछला मैच तो ये बड़े बुरा हार के आए हैं। मैं यार इन प्लेयर्स की गलती क्या बोलूँ, देखो इनकी भी गलती है लिटिल बिट है, लेकिन यार सबसे बड़ा मेन रोल इन प्लेयर का भी होता है। अगर ये गोल नहीं करेंगे तो इन बेचारों को क्लीन शीट कहाँ से मिलेगी, सीधी सी बात है। आगे से बात करूं ए असन ने प्रीवियस मैच के अंदर इस प्लेयर ने विदाउट क्लीन शीट एक शॉट ऑन टारगेट और एक गोल भी किया था। मैं ये बहुत अच्छी मुझे बात लगी कि ये मतलब एस असन ने गोल किया, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी, फिर भी बढ़िया लगा। और आगे से बात करूँ ईली की, तो ईली को भी इसलिए ले रहा हूँ, ये 4 डिफेंडर आपके काफ़ी काम आ सकते हैं आज के मैच में, क्योंकि अगर आज ये टीम जीतती है तो इसको क्लीन शीट मिलेगी। लेकिन अगर मेरे को थोड़ा सा ना और इन्फॉर्मेशन निकालनी रह गई है, अभी 80% टीम तैयार है, 20% मैं कुछ चेंजेस करूँगा वो लास्ट में बताऊँगा। बात करूँ मिडफील्डर की, तो ए उमोर जो कि भाई ये नॉर्मल प्लेयर है, प्रीवियस मैच में 22% सिलेक्शन थी और ये प्लेइंग 11 में भी था और इसने नॉर्मल सी पारी खेली और सिंगल असिस्ट भी की। आगे से बात करूँ यहाँ सुनूंगा एक और प्लेयर्स नाम है जोसेफ पेंसचिल, तो ये भी भाइयों काफ़ी आपको बढ़िया प्लेयर मिल जाते हैं। यहाँ से 2 प्लेयर बहुत ही बढ़िया हैं, एक ये एंड साथ ही साथ दूसरा प्लेयर जिसका नाम है साबा, और ये अपनी टीम के मेन रोल निभाते हैं। क्या पता इनमें से कोई एक खेले, क्या पता 2 भी खेल सकते हैं, एक तो खेलेगा ही खेलेगा क्योंकि इनको टॉप ऑर्डर के मिडफील्डर की आज बहुत ज़रूरत है। तो मैं आपको बात बता दूँ, ये जो मिडफील्डर आप देख रहे हैं इनका मेन रोल होता है भाई असिस्ट करना, लेकिन ये बंदे गोल भी कर देते हैं। और आगे से बात करूँ एल बैकर के बारे में, मैंने आपको पहले बता दिया था गोल करे या ना करे 30-40 मिनट पक्के हैं, बंदा 45 ही दे गया, ये बात सही निकली थी। एंड आपको बता दूं आगे और कोई इतना रेयर आपको प्लेयर मिलेगा नहीं, एक रेयर प्लेयर है मैं आपको बताता हूं, इसका नाम है एल एडजिक, आप इसको ग्रैंडलिंग में ट्राई करना अगर खेला तो। बात करूँ स्टेट फॉरवर्ड की, तो यहाँ से लूँगा टॉप का प्लेयर एंथनी नेफकैम, पिछले मैच के अंदर इस बेचारे ने 2 गोल भी किए लेकिन इनकी टीम हार गई। देखो यार मैं नहीं बोलता कि भाई 2 गोल करने के बाद भी हार हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। कई बार कभी आपका कोई बहुत बड़ा स्कोर हो उस पर भी क्रिकेट में भी जैसे चेज हो जाता है, वैसे फुटबॉल में भी कुछ नहीं पता चलता हाफ टाइम के बाद क्या कौन सी टीम जीत जाए। तो प्लेयर तो अच्छा है, तो मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ, 54% सिलेक्शन है इसकी, बढ़ेगी सिलेक्शन अभी। और आगे से बात करूँ यहाँ से लूँगा एक और प्लेयर का नाम है टी बॉरवन भी आज कुछ खास कर सकता है। अगर आपको दोनों के फेवर में टीम बनानी है देन आप जाओ इस टीम के साथ, क्योंकि अगर इस टीम का भी गोल होगा देन आप लॉस नहीं करोगे। लेकिन जो मैं टीम बना रहा हूँ वो होगी मेरी भाइयों, जो मेरा रहने वाला है वो है एस असन, तो ये नहीं मेरी टीम नॉर्मली। अगर कुछ चेंजेस करूंगा तो क्या पता मैं पूरी टीम भी चेंज कर सकता हूं अगर लाइनअप्स के बाद, तो मैं आपको ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, टेंशन 0% लो। तो मिलता हूं भाई अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय, अपना ख्याल रखें, घर पे रहिए एंड बाय।